नमस्कार। भावनाओं में बह जाने वाली चौथी राशि कर्क राशि वाले जातकों के लिए आइए जानते हैं मार्च 2022 आपके लिए क्या लेके आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे मेन ग्रह सूर्य ग्रह की ट्रांजिट से। सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि से सेवंथ हाउस के अंदर है। सूर्य मंगल शनि और बुध शुक्र सब एनर्जी जो है ग्रहों की आपकी राशि से सेवंथ हाउस के अंदर है, जिसके कारण थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो फीलिंग करवाएंगे। और खास करके जो भी जातक विवाहित है मैरिड है, इनको दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। क्योंकि 26 फरवरी 2022 से मंगल का जो ट्रांजिट है ये सूर्य शनि के साथ चलने वाला है। हालांकि सूर्य जो है वो 14 तारीख तक है और 15 तारीख से सूर्य चलेंगे 8वें शाम के अंदर, लेकिन शनि मंगल का कॉम्बिनेशन जारी रहेगा मंथ के एंड तक। और जो मंगल है वो 7 अप्रैल को राशि परिवर्तन करते हैं, शनि से अलग पड़ेंगे। फिर 8वें स्थान में आपके सूर्य मंगल का अंगारक योग बनेगा। तो जो एनर्जी है खास करके जो भी जातक विवाहित है मैरिड है, इनको दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। तो व्हाट अबाउट बिजनेस एंड करियर? तो बिजनेस करियर के लिए ऐसा है कि मंगल आपके सेवंथ हाउस के अंदर है और गुरु की जो दृष्टि है आपके धन स्थान के अंदर है, कुटुंब स्थान के अंदर है, तो मकान वाहन सुख स्थान के अंदर है। तो ये जो ट्रांजिट है गुरु की दृष्टि जो है बहुत शुभ मानी जाती है, आपके बिजनेस करियर के अंदर फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट करने वाली रहेगी। व्हाट अबाउट लव मैटर? थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो फेस करना पड़ेगा क्योंकि जो शुक्र है ये पीड़ित हो जाते हैं शनि मंगल सूर्य के साथ, और जो शुक्र का ट्रांजिट है ये पूरा मंथ अप्रोक्सीमेटली आप कह लो कि शनि के साथ चलेंगे 31 मार्च तक। तो ये कुछ थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग करवाने वाली ट्रांजिट होगी रिलेशनशिप में लव मैटर में पार्टनर के साथ। और खास करके जो डेट्स आपको टेक केयर करना है इस मंथ के अंदर वो इस प्रकार हैं। 1, 2, 3 जिसमें चंद्र चलेंगे कुंभ राशि के अंदर, तो कुंभ के चंद्र राशि से 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 8वें चंद्र में आपको पारिवारिक मामलों को लेकर फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, वाहन चलाने में विशेष क्या करना है। 11, 12, 13 जिसमें चंद्र चलेंगे मिथुन राशि के अंदर, तो 12वें स्थान के चंद्र में भी आपको लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना है 20, 21 और 22 जिसमें चंद्र चलेंगे तुला राशि में, तो तुला के चंद्र भी चौथे स्थान के चंद्र बनते हैं। चौथे चंद्र में भी आपको पारिवारिक मामलों को लेकर, करियर को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तो यदि आपके जन्म के सूर्य भी कर्क राशि के अंदर है, यानी कि कोई भी साल के आपका अंदर जन्म है 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके कर्क राशि के अंदर है, तो भी प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों कर्क राशि के अंदर है तो इस प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होगा। 14 तारीख को जो सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं इनका इसको बोलेंगे कुंभ संक्रांति। कुंभ राशि में सूर्य जाएंगे। हालांकि इस टाइम पे मार्च में एक पॉसिबिलिटी क्या अच्छी है कि आपके जो सूर्य है वो गुरु के साथ चलने वाले हैं, इसलिए आपको सूर्य का इतना नेगेटिव फल नहीं मिलने वाला है। फिर भी पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर और रिलेशन में अपने फैमिली और अपने इन लॉस के साथ विवाहित जातकों को कुछ ज्यादा ही केयर करना होगा 14, 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। तो इस प्रेडिक्शन को आप अपने कर्क राशि वाले मित्र को जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। नमस्कार। जय गणेश। जय सिद्धारकाधीश।